तो आपने भी कभी सोचा है कि श्री गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को भगवान श्री गणेश का जन्म होता है, इसी दिन को श्री गणेश चतुर्थी के नाम से मनाया जाता है। तो इसके पीछे की कथा यह है कि जब माता पार्वती अपने शरीर के मैल से एक आकृति बनाती है, फिर उसमें जीवन प्रदान करती है, उसका नाम गणेश देती है। तब माता पार्वती स्नान करने जाती है और गणेश को अपना द्वारपाल के रूप में नियुक्त करती है। तब भगवान शिव माता पार्वती के पास जाते हैं, तब भगवान गणेश रोकते हैं, लेकिन भगवान शिव क्रोधित होकर उनका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। तब माता पार्वती आती है और अत्यंत विलाप करने लगती है और क्रोधित होकर संसार का अंत करने जा रही होती है। तब भगवान शिव उन्हें रोकते हैं और अपने गणों को आदेश देते हैं कि जाइए और जो भी माता अपने पुत्र को पीट करके सोई हो उसका पुत्र का सिर काट के लाइए। तब एक हाथी की माँ अपने पुत्र की ओर पीट करके सोई होती है, उसका सिर काट के लाया जाता है और तब हाथी के सिर को भगवान श्री गणेश के धर में लगाया जाता है और तब से भगवान श्री गणेश गजानन और गजमुख कहलाने लगे। और फिर सभी देवी देवताओं ने मिलकर भगवान श्री गणेश को आशीर्वाद दिए और जहां भगवान शिव श्री गणेश को आशीर्वाद देते हैं कि सभी देवी देवताओं में सबसे पहले श्री गणेश को ही पूजा जाएगा और किसी भी कार्य को अगर संपन्न करना है, विघ्न को हरना है, तो श्री गणेश की पूजा सर्वप्रथम की जाएगी। इसी कारण से भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहते हैं, सभी कार्यों को पूरक कहते हैं और भगवान श्री गणेश को लंबोदर, गजानन, गणपति, गजमुख लंबोदर, एकदंत, मयूरेश्वर, विघ्नहर्ता और अनेक अनेक नामों से जाना जाता है। और तब भगवान शिव भगवान श्री गणेश को अपने गणों का स्वामी नियुक्त करते हैं, जिसके कारण संसार में भगवान श्री गणेश को गणपति के नाम से भी जाना गया। सनातन हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश का सभी देवी देवताओं में अपना ही एक महत्वपूर्ण स्थान है और जिसके कारण भगवान श्री गणेश की किसी भी कार्य से पहले सर्वप्रथम पूजा की जाती है। और भगवान श्री गणेश से संबंधित कई सारे लीलाएं और कथाएं पुराणों में वर्णित है और सनातन हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश की किसी भी कार्य करने से पहले पूजा की जाती है, जिसके कारण जो विघ्न है उसको भगवान श्री गणेश हल लेते हैं और जो कार्य है वो निर्विघ्न पूर्ण होते हैं और सिद्ध होते हैं। तो ये भगवान श्री गणेश की महिमा है हिंदू सनातन धर्म में। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भगवान श्री गणेश की जो आज पांडालों में स्थापना होती है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1893 लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत हुई थी। उससे पहले भी भगवान श्री गणेश की चतुर्थी के समय पूजा की जाती थी, लेकिन वो सिर्फ घरों तक सीमित था। लेकिन आज हम जो बड़े बड़े पंडाल देखते हैं भगवान श्री गणेश की स्थापना की जाती है। हाँ, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान श्री गणेश की स्थापना की जाती है, फिर 10 दिन तक उनकी धूमधाम से पूजा अर्चना की जाती है, 11 दिन बाद भगवान श्री गणेश के धूमधाम से विसर्जन कर दिया जाता है। तो इसे हम श्री गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। इसकी शुरुआत 1893 में लोकमान्य तिलक द्वारा ही की गई थी। तो क्या इसके बारे में पता था दोस्तों? लोकमान्य तिलक के इस गणपति स्थापना के शुभारंभ के कारण से भारत देश भर में महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को सबसे धूमधाम से मनाया जाता है। इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ष पप्पा श्री गणेश प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को उनकी स्थापना की जाती है, उन्हें धूमधाम से उनकी पूजा की जाती है। पप्पा भक्तों का विघ्न हरते हैं, उनको कष्टों से दूर करते हैं और फिर 11 दिन बाद पप्पा को धूमधाम से विसर्जित कर दिया जाता है। और इसी प्रकार ये चक्र चलता रहता है और भगवान श्री गणेश अपने भक्तों का कष्ट हरने आते रहते हैं। तो आपको इसके बारे में क्या पता था दोस्तों?